वॉचिंग मी एंड माई नेम इज दर्शना पचोरी. सुबह के 4:20 हो रहे हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन. कभी इतना जल्दी उठना नहीं होता लेकिन आज अचानक जल्दी उठकर बड़ा अच्छा लग रहा है इस ब्रह्म मुहूर्त में आप सबके लिए सेशन को तैयार करने के. वेल गाइज, इन टुडे सेशन एक्चुअली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ इन अ वेरी पॉजिटिव वे सो एज टू गेट अ personality that is a positive personality. But to begin with the session, I would like to request you all that aap sab mera video dekh rahe hain. Niche dekh sakte hain ki mere channel ka naam bhi aa raha hai. Jaisa ki aap mere video ko abhi dekh rahe hain, aap dekh sakte hain niche mere channel ka naam diya gaya hai with logo keep exploring yourself with. उसी के सामने बिल्कुल सामने रेड कलर से एक रेड कलर का एक बटन दिया हुआ है रेड एंड वाइट में. आप प्लीज़ उसको प्रेस करें. वो एक सब्सक्राइब बटन है. उसको प्रेस करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ नए वीडियोस बना सकूं और आपको न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे नए सेशंस के लिए. प्लीज़ उसे बिना देर करें आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसे प्रेस करें और बेल आइकन आएगा तो उसे डेफिनेटली प्रेस करें. जस्ट फॉर द सेम सेक you will get the latest notification of my session. Please do it as soon as possible right now. Alright guys, well today I'm going to talk about that how you can keep yourself in a positive way. That means how you can have a positive personality in yourself, right? आप अपने अंदर एक positive यानी सकारात्मक एक optimistic व्यक्तित्व किस तरीके से बना सकते हैं. गाइज, ये कोई चुटकी बजाने वाला काम नहीं है. इसमें वक्त लगता है और मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस बताऊंगी. द फर्स्ट थिंग इज दैट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अपने जीवन में हर चीज़ के लिए, चाहे वो गलत हो या सही हो, वट एवर इट इज, आप जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, वट एवर यू डू एंड वट एवर यू से और यू प्रोमिस टू योर सेल्फ और टू एनी वन, स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इट. अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है, आपने ये सोचा होता है कि ये मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसको करने से आपके साथ आगे क्या होने वाला है. हमारी मैच्योरिटी या हमारा ग्रो होना इसमें होता है कि हम उसके साथ खड़े हों. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, किसी और को ब्लेम करने की बजाय, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें कि जो कुछ हो गया है उसके लिए हम किस तरीके से लड़ें और उससे आगे बढ़ें, उसको फेस करें. ये हमारे अंदर एक नई ग्रोथ यानी एक नया सुधार हमारे अंदर लाता है. इट ब्रिंग्स अ न्यू इम्प्रूवमेंट इन आवर सेल्फ टू एक्चुअली स्टेप ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर डिफरेंट पर्सनैलिटी विच वी कैन से इट्स अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी. आप अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस देखेंगे. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस विल गेट बूस्ट मैनी अ टाइम्स वट एवर यू वर हैविंग एट द इनिशियल लेवल. इसे सिर्फ मैं कह रही हूँ इसलिए मत मानिए, बट इसे करके देखिए और फिर उसे मानिएगा कि वाकई में ये चीज़ हमें अंदर से एक अलग ऊर्जा प्रदान करती है. द नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉट आई वुड लाइक टू से इज़ दैट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स कर्टसी और कृतज्ञता, वी कैन से ग्रैटिट्यूड. हम जो कुछ अपने जीवन में करते हैं, वट एवर वी डू इन आर लाइफ, सिर्फ अपने लिए हम करें ये सही नहीं, हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए. कर्टसी, ग्रैटिट्यूड, शो दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर एवरी वन. द पोलाइटनेस एक ऐसी चीज़ जिसके वजह से आप दूसरों के दिल दिमाग में एक अच्छी छवि छोड़ सके, अपना एक अलग छाप छोड़ सके. गाइज, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. अगर आप कुछ करते हैं और उसे जता देते हैं कि ये मैंने किया है, इफ़ यू डू समथिंग फॉर अदर्स एंड यू स्टार्ट सेइंग दैट ये मैंने किया है, यू स्टार्ट टेकिंग द क्रेडिट ऑफ इट, इट्स अ वेरी वेरी बैड प्रोजेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी. आई रिकमेंड यू इज दैट ग्रैटिट्यूड को समझें, कृतज्ञता को समझें. जो भी हम कुछ किसी के लिए करते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो जताने की ज़रूरत नहीं. डिफरेंट पर्सनैलिटी विच टेक्स अप द पोलाइटनेस विद अदर्स एंड द कर्टसी यू मेंटेन विद अदर्स. द थिंग इज दैट वी डू समथिंग फॉर अदर्स एंड वी फॉरगेट दैट यस वी डिड इट. दिस इज द पॉजिटिव पर्सनैलिटी. द नेगेटिव पर्सनैलिटी पर्सन विल एक्चुअली जस्ट गो ऑन टॉकिंग दैट और गो ऑन जस्ट अनाउंसिंग एवरी वन दैट दिस इज बीन डन बाई मी.
That self means that me is never getting finished with that person, and that puts a negative impression on others that this personality is a negative personality. For being a positive personality, you need to understand what is gratitude, what is courtesy. Step number 3 for being a very positive personality is stop blaming others, stop criticizing people and the event. Guys, it's a very important thing that जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरों को ब्लेम करते हैं. क्रिटिसिज्म करना बुरा नहीं होता, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी नेगेटिव ही क्रिएट करता है. मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई बच्चा, यानी आपका बच्चा या किसी और का, अगर कुछ गलत हो जाता है उस बच्चे से, तो हमें उस बच्चे की ईगो को टारगेट करे बगैर हमें उसके जो काम में गलत हुआ है उसको टारगेट करके उसे समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत हुई है, इसको नेक्स्ट टाइम नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना है वो बताना चाहिए. बट होता क्या है कि सम टाइम लाइक इफ़ इट इज हस्बैंड और वाइफ, इफ़ वाइफ डू समथिंग रॉन्ग, हस्बैंड स्टार्ट यू नो शाउटिंग दैट पर्टिकुलर वाइफ दैट यू डिड इट रॉन्ग. आई मीन यू ऑलवेज डू इट लाइक दिस सेम थिंग. वाइफ सम टाइम सेइंग द हस्बैंड दैट Don't you know that how to do it? All the time you are doing the same thing in the same way. This is really wrong. Guys, अगर हम इस चीज़ को positively लेकर अगर criticize भी करते हैं, but it should give a positive boost to other person also and to yourself also. How you can say that? Well, आपको ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, और आगे आप प्लीज़ ध्यान रखिए ताकि इस चीज़ का कोई नुकसान ना हो. अगर आप किसी की गलती को इस तरीके से सुधारते हैं तो इससे आपको भी पॉजिटिव बैकअप मिलता है और अगले को भी पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए एक पुशअप मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, और आपको भी आता है कि हाँ, आपने किसी के लिए कुछ कहा कि हाँ ये गलत है, लेकिन उसको आपने इस तरीके से कहा कि उसको भी बुरा नहीं लगा और वो कुछ समझ भी गया कि भाई इसे भी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है. सो दैट इज़ वॉट एवरीबडी इज़ वॉन्ट कि उनकी इम्पोर्टेंस का ध्यान रखा जाए. सो आई थिंक क्रिटिसिज्म पूरी तरह गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्रिटिसिज्म दो तरीके का होता है. देर आर टू टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, वी कैन से दैट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड द नेगेटिव क्रिटिसिज्म. सो वी नीड टू कीप टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट एवरी टाइम कीप अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म फॉर एवरीथिंग. अगर कुछ आप किसी को कह रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि हम उसे हर्ट नहीं, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम उसकी ईगो को हर्ट ना करें, मगर उसके उस काम को ज़रूर बताएं कि भाई वो गलत है, उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है. इस चीज़ को आप घर, ऑफिस, हर जगह अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में देखा भी जाता है और आपको खुद में भी वो चीज़ फील हो. All right guys, so these three things, keep it in your heart and mind and soul. That first thing is that accept responsibilities. Second is consideration. And the last thing which I actually just complete up is that keep the criticism in a positive way for everyone. तो ये तीन चीज़ें आप ज़रूर अपने आप में रखें और इससे अपने आप के अंदर कुछ बदलाव लाएं. यही उम्मीद मैं आप सबसे करती हूँ, क्योंकि मैं भी इसे आपके साथ साथ फॉलो कर रही हूँ और करती हूँ. ये मेरा अनुभव था जो मैंने आप सबके साथ बांटा आज. वेल, इट इज़ एब्सोल्युटली माई ओन एक्सपीरियंस विच आई शेयर विद यू ऑल, एंड आई होप यू रियली लाइक माई वीडियो. एंड प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वंस अगेन, आप मेरे वीडियो के नीचे जो देख रहे हैं वहाँ मेरा लोगो भी है, मेरे चैनल का नाम भी दिया है, बस उसके सामने एक सब्सक्राइब लाल रंग का, यानी रेड इन कलर सब्सक्राइब बटन इज़ देयर. प्लीज़ जस्ट प्रेस इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू अपडेट्स ऑफ माई चैनल. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.